हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फेसबुक कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या चल रही है जो आजकल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे, फेसबुक कंट्रोवर्सी जो मार्क जुकरबर्ग बार बार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये है क्या? और फेसबुक के ऊपर ऐसे कौन से आरोप लगे हैं जिसके वजह से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं और कई देश हैं जो बोल रहे हैं कि फेसबुक को हटाए और डिलीट किया जाए। यहाँ तक कि जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे, जो निर्माता थे जिन्होंने फेसबुक को व्हाट्सएप सेल किया था, उन्होंने भी ट्वीट किया कि फेसबुक को डिलीट कर दिया जाए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसमें देखिए जो मुख्य कारण है, मैं आपको बता दूं, वो है 2016 में जो यूएसए में चुनाव हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जीत में इन लोगों ने मदद किया था। और ये सीधा सीधा फेसबुक पे आरोप नहीं लगा गया है, इनमें एक और कंपनी थी उस पर भी ये सेम आरोप है, जिसका नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये इसमें इसका मुख्य रोल था कैम्ब्रिज एनालिटिका का। इसके जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है, ये एक ब्रिटिश के कंपनी है, और मैं आपको बता दूं ये एक ब्रिटिश डेटा फर्म है जिसके कई सारे को ऑनर हैं। जो इनके मुख्य ऑनर हैं उनका नाम है रॉबर्ट मर्सर। जी हाँ, तो इनके क्या क्या एलिगेशन लगी इन पे, जो मुख्यतः दो एलिगेशन लगी हैं। एक तो इन्फ्लुएंस करना, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करके वोट दिलवाया गया, और दूसरा क्या था, जो यूरोपियन यूनियन जो है उसे ब्रेक्सिट, जो यूरोप से इंग्लैंड या ब्रिटेन को बाहर कर दिया गया, बाहर होना पड़ा, उसमें इन्होंने लीव साइड का सपोर्ट किया था। तो ये दो एलिगेशन लगाया गया है जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है इस पे। और मैं आपको बता दूं जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के जो एक वर्कर है जो उसमें काम करते थे, जिनका नाम है क्रिस्टोफर विली, ने बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया ये फेसबुक के तहत। उसमें उन्हें गुमराह किया गया, उनको पेज को ऐसा डिजाइन किया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि फेसबुक के द्वारा जो उसमें एप्स होते हैं उसके द्वारा इनकी जो डिटेल्स ली गई, और वहां वहां पे इनकी जो रैलियां की गई और उनके एड्स दिखाए गए कि लोग उनके ओर आकर्षित हों, पॉजिटिव एड्स, जो उनकी नेगेटिव चीज थी उन्हें नहीं दिखाया गया, और जो पॉजिटिविटी थी उसे पूरा जो है एडवर्टाइज किया गया। और इन चीजों का मतलब जो पूरे डेटा जो है, जो डेटा चोरी की गई 5 करोड़ लोगों की, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए उनकी रैली कराई गई कि जहां ये जाएं उनके कैंपेन में ज्यादा भीड़ हो और लोग ज्यादा आएं, और उनको देखते हुए और भी सोशल मीडिया पे जो है इनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, क्योंकि सोशल मीडिया का जो रोल प्ले बहुत ज्यादा होता है अगर इस समय की पॉलिटिक्स में आप देखते हैं तो। और जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, ये जो जो डेटा चोरी की, ये इसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। अब इन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप कभी भी फेसबुक पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि साइड में फार्मूला, गेम्स वगैरह, कैंडी क्रश, कई सारे मतलब एप्स जो हैं वो रन करते रहते हैं, तो आप उसे यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो जब आप उसको गेम को खेलना होता है या एप्स को इस्तेमाल करना होता है तो ओके बटन पे प्रेस करना होता है। अगर आप ओके बटन पे प्रेस कर दिए तो क्या होता है, आपकी जो सारी डिटेल्स, ईमेल, नेम, फोन नंबर, आपके फ्रेंड सर्किल, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फिर उन पे वो नजर रख सकते हैं जो भी वो उस डेटा के थ्रू। और मैं आपको बता दूं इसमें फेसबुक का ये कहना है कि मैं जो है अपनी जो डेटा है बहुत ज्यादा सिक्योर रखता हूँ, मैं किसी से ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन जो एलिगेशन लग रही है वो कहा जा रहा है कि एफबी ने जानबूझकर, फेसबुक ने जानबूझकर जो है डेटा वो कैम्ब्रिज एनालिटिका को दी। लेकिन ऐसा फेसबुक का मानना नहीं है, वो अपनी जो एलिगेशन है उस पे वो मुकर रहा है, वो इस बात से सहमत नहीं है। और मैं आपको बता दूं इसके पीछे स्टोरी क्या है। देखिए जब 2014 में ये चुनाव मतलब 2000 जो 16 में चुनाव स्टार्ट हुए, इसकी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, 2014 से ही स्टार्ट हो गई थी। तो 2014 में क्या किया गया ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, इन्होंने एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर को एक वर्क दिया कि आप एक ऐसा ऐप बनाइए जिसके द्वारा हम लोगों की जो है फेसबुक के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हम ले सकें और उनके द्वारा हम कई सारी चीजें एक्सेस और प्रॉफिट ले सकें। तो इन्होंने क्या किया, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कंपनी है, इन्होंने $8 लाख जो है उनको दिया, जिनका नाम था, मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंडर कोगन। अलेक्जेंडर कोगन को $8 लाख दिया गया। और ये $8 लाख दिया कब गया ये भी मैं आपको बता दूं, जब ये सारी डिटेल्स, जैसे अब इन्होंने कंपनी एक ऐप बनाई, जो ऐप का नाम था मैं आपको बता दूं, उसका नाम था दिस इज योर डिजिटल लाइफ, जो 2,70,000 से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे, और वो अपनी इच्छा से जो है उनकी जो है डेटा को वो एक्सेस करने की परमिशन दे चुके थे।
तो ये जो पहली रीजन थी, उसके बाद उन्होंने उसके उनके फ्रेंड सर्किल में जाके, फिर सारे फ्रेंड सर्किल में जाके ये सारे जो डेटा खंगालना चालू किया, जिसके वजह से इनकी जो है लोगों की अमाउंट जो है 5 करोड़ तक पहुंच गई या इससे ज्यादा पहुंच गई। और दूसरा क्या है, मैं आपको बता दूं, जो एलिगेशन है उस पर क्या लगाया गया कि आप जब भी आप देखते होंगे फेसबुक चलाते होंगे तो कुछ साइड में पॉपअप होता रहता है कि ये क्विज वो क्विज। जब आप क्विज को ओपन करते हैं, मतलब क्विज कैसा होता है कि आप जीतिए ये 500 डॉलर, 1000 डॉलर, मतलब पैसों का लालच देना स्टार्ट किया। तो आप जब क्विज खेलते हैं तो उसमें आपकी जो है इंफॉर्मेशन भरी जाती है, फोन नंबर, नेम, लोकेशन, सारी चीजें भरी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वो आपकी सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं, आपकी जो लोकेशन क्या है, नाम, नंबर, जो भी क्या है, मतलब उसी लोकेशन के हिसाब से जो है ट्रम्प की रैलियां सेट होती थी कि किस लोकेशन पे कितने लोग हैं, इनकी क्या है और क्या बातें हो रही हैं, मतलब मीडिया में लोग क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जब जो सारा डेटा का जो सर्वे कर लिया, फिर जब उसके पास, मतलब जब ये अलेक्जेंडर कोगन जो है, अलेक्जेंडर कोगन ने जो अपनी जो है डेटा वो क्या की, कैम्ब्रिज एनालिटिका को $8 लाख में सेल कर दी। इसलिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उन्हें $8 लाख दिए। जब सेल कर दी उसके बाद ये क्या कि एक पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाया। मतलब पर्सनालिटी प्रोफाइल का मतलब क्या है कि जो है मार्केट में, मतलब सोशल मीडिया पे लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की जो है हवा चल रही है सोशल मीडिया पे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने एक साइकोलॉजी का प्रोफाइल बनाया और उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखा गया, कौन लोग किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं, फिर उसी हिसाब से उनके जो है प्रोफाइल पे एड्स दिखाने चालू हो गए। जैसे आपको मैं बता दूं, एड्स थे जैसे अमेरिका फर्स्ट और जो बाहरी कंपनियों का, मतलब जो है बाहर के जो लोग हैं अमेरिका में रह रहे हैं उनको नहीं रहने दिया जाएगा और जो है अमेरिकन लोगों को जॉब दिया जाएगा। और जॉब जो क्रिएटिविटी थी और जो टेररिस्ट वगैरह ये सारे जो उनके मुद्दे थे उनको ये, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हाईलाइट किया गया। मैं आपको बता दूं, टारगेटेड चीजों पे ध्यान रखा गया, जो ये मतलब फोकस जो उनको दिखाना चाहिए वही दिखाया गया, पॉजिटिव चीजें दिखाई गई, नेगेटिव चीजें कुछ नहीं दिखाई गई। मतलब जो भी थी वो पॉजिटिव चीजें थी और वो सारे एड्स हाईलाइट किए गए उनके प्रोफाइल्स पे और उन्हें मतलब एक कंपेल किया गया कि आप मजबूर हो जाइए इसको, मतलब ट्रम्प को वोट करने पे। तो 5 करोड़ लोगों, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया, मतलब ब्रेन वॉश किया गया, ऐसा सीधे शब्दों में जान लीजिए, ब्रेन वॉश किया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, जो जिनका नाम था रॉबर्ट मुलर, वो इन्वेस्टिगेट करने लगे और जो कैम्ब्रिज एनालिटिका थी, ये मतलब एलिगेशन जो उनके ऊपर लगे हैं वो धीरे धीरे मतलब प्रूफ होने होते जा रहे थे। तो फिर जो ये महाशय थे जो मुलर, ये क्या बोले कि जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है इसे, इस डेटा को तुम पलट दो और रसिया के ऊपर थोप दो। मतलब ये सारे जो इसके पीछे हाथ है वो रसिया का हाथ है। तो आप लोगों ने सुना होगा स्टार्टिंग में जब भी कोई बात होता था तो लोग बोलते थे रसिया ने जो है वोटिंग मशीन जो है वहां की हैक कर ली थी, या तमाम जो है मतलब उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, मतलब कि वो रसिया के कहने पे सब कुछ कर रहे थे। तो मतलब वो रसिया सब कुछ हैंडल कर रही थी, ये सारी एलिगेशन जो है रसिया पे जा रही थी। और मैं आपको बता दूं, ये जो सारे एप्स हैं, ये जो ये सारे कारनामा किए हैं उनको मैं बता दूं, फेसबुक ने 2015 में ही बैन कर दिया था। ऐसा कहना है कि ये जो है हद से ज्यादा जो है लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे और उनका ये दुरुपयोग हो सकता था। लेकिन आज ही मार्क जुकरबर्ग ने, अभी मैंने देखा सीएनएन को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है और उन्होंने बहुत ही कड़े सख्त कानून लगाए हैं कि फेसबुक से अब डेटा जो है कभी भी चोरी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो इंडिया में भी ये जो अब चुनाव आ रहे हैं उनमें ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब जो है लोगों की डेटा को निकालना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो है फेसबुक ने अपनी पॉलिसी जो बदल दी है और जो एलिगेशन है उसे स्वीकार किया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब जो है डेटा को चोरी करना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती हैं जिसके वजह से लोग ऐसा कर पाते हैं। तो अगर ऐसी चीजें आ रही हैं यहाँ पे तो इसे अवॉइड करें आप, मतलब दोनों पक्ष देखें, पॉजिटिव और निगेटिव, तब आप अपनी वोटिंग करें। क्योंकि आप यूएसए में देखे ही हैं कि ट्रम्प की जो जीत हुई है वो पब्लिक की जीत नहीं है, लोग वहां के लोग खुश नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये केस समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जी, धन्यवाद।